दोस्तों, ये है हमारे पास बोल्टास का एसी रिमोट कंट्रोलर। और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो है कि ये जो रिमोट है इसका जो पावर है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इसका जो पावर बटन है वो यहाँ पर हम प्रेस करके देख लेते हैं। यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले है इस पर कोई भी दोस्तों पावर ऑन नहीं लिखा आ रहा है। और इसमें जो सेल हैं वो भी यहाँ पर डले हुए हैं। तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या है कि इसके ये जो सेल हैं, इन सेल को हम चेक कर लेते हैं पहले कि जो सेल हैं वो ख़राब तो नहीं है। तो सिंपली इनको चेक करने के लिए जो डिजिटल मीटर है उससे हम सेल चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जो सेल है वो हमारा एकदम ठीक है, 1.5 यहाँ पर बता रहा है। और अब दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सेल भी ठीक है, यानी कि हमारे ये जो सेल हैं ये एकदम ठीक है। प्रॉब्लम इसी रिमोट कंट्रोलर में है। तो चलिए पहले इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। तो इसको ओपन करने के लिए इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी स्क्रू हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो सिंपली इसको यहाँ से पहले स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसे ओपन कर लेना है। ये हमने ओपन कर लिया है और कुछ इस टाइप का इसमें जो सर्किट है वो दिया हुआ है। यहाँ पर 4 स्क्रू दिए हुए हैं, पहले इनको ओपन कर लेना है हमें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका ये जो सर्किट है वो मैंने पूरा ओपन यहाँ से कर लिया है। और इसमें एक ये डिस्प्ले दिया हुआ है, यहाँ पर इसकी जो प्रिंट है, इसकी ये जो स्प्रिंग्स रखी, तो दोस्तों ये प्रिंट एकदम ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर शोल्डरिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से लगा हुआ है। और हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ से ये जो सर्किट का जो प्रिंट है ये टूटा हुआ है। तो हो सकता है दोस्तों ये गिरने के वजह से ये जो प्रिंट है ये यहाँ से टूट गया हो। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो प्रिंट है ये दोस्तों यहाँ से इसकी सप्लाई आई हुई है और ये यहाँ से जाते हुए दोस्तों इस सर्किट के यहाँ पर LEDs और ये जो IC लगी हुई है नीचे, इस IC पर गई है। तो इस कंडीशन में अब हमें करना क्या है, ये वाली जो प्रिंट है पहले इस प्रिंट को हम यहाँ पर बना लेते हैं, क्योंकि ये प्रिंट बनाने के बाद ही हम यहाँ पर कन्फर्म कर पाएंगे कि इसमें और कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो सबसे पहले इस प्रिंट को बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, इसमें थोड़ी सी हमें फेविक्विक लगानी होगी ताकि इसकी ये जो प्रिंट है ये पहले चिपक सके। और इसके बाद इसकी जो प्रिंट है हम इसको सोल्डरिंग करने वाले हैं। तो आप देख लीजिए किस टाइप से मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो फेविक्विक है वो निकाल दी है और इसको हम साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पर जो फेविक्विक लगाने का जो तरीका है वो दोस्तों ये है कि इस टाइप से हमें यहाँ पर लगाना है, ये आप देख सकते हैं। और अब दोस्तों सिंपली इसको यहाँ पर दबा के रखना है ताकि ये चिपक सके, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। ये जो प्रिंट टूटी हुई है, ये प्रिंट टूटी है दोस्तों गिरने के वजह से। शायद ये जो रिमोट है ये ज़्यादा ऊपर से गिर गया होगा, तभी इसकी जो प्रिंट है वो यहाँ से डैमेज हुई है। और बाकी दोस्तों इसकी जो प्रिंट है ऐसे टूटती नहीं है, तो इसमें डैमेजिंग हुई है, इसी वजह से इसकी जो प्रिंट है वो टूटी हुई है। तो यहाँ पर हम ठीक से फेविक्विक लगा देते हैं पूरी प्रिंट पर। तो अब दोस्तों ये जो प्रिंट है ये चिपक गई है। अब सिंपली हमें करना क्या है कि ब्लेड से दोस्तों पहले इस पर एक स्क्रैच करना है हल्का सा। और दोस्तों हमें खाली ये जो बड़ी वाली जो प्रिंट है इस पर ही स्क्रैच करना है, और बाकी इसमें ये जो
बारीक प्रिंट दी हुई हैं, हमें इन पर कोई भी स्क्रैचेस नहीं करना है, वरना ये जो प्रिंट है ये शॉर्ट हो जाएंगी और जो रिमोट है वो फिर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो इसका हमको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। तो इसकी ये जो कॉपर वाली लेयर है वो हमने इसको पूरा निकाल दिया है। अब सिंपली हमें करना क्या है कि पहले इसको शोल्डरिंग कर लेना है अच्छे से, और इसके बाद इसकी जो टेस्टिंग है वो करके देखते हैं कि रिमोट पूरा वर्क करता है या नहीं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रिंट है इस पर हमें अच्छे से शोल्डरिंग कर लेना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और इस प्रिंट पर ही हमको यहाँ पर शोल्डरिंग करना है, जो कि ब्रेक प्रिंट है इस पर ही हमें शोल्डरिंग करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो शोल्डरिंग की हुई है वो काफ़ी अच्छे से ये जो शोल्डरिंग है वो मैंने कर दी है। और यहाँ पर दोस्तों और कोई जो प्रिंट है वो मुझे यहाँ पर ख़राब नहीं दिख रही है, और ये वाली जो स्प्रिंग के जो शोल्डरिंग है वो भी ठीक से हैं, और ये जो LED ये भी दोस्तों यहाँ पर ठीक से शोल्डरिंग है। तो अब हमें करना क्या है, तो पहले मैं वापस इसको इसमें लगा देता हूँ। इसके ये जो स्क्रू थे वो पहले हम वापस फिट कर देते हैं। अब इसका ये जो बैक कवर है ये हम लगा देते हैं यहाँ पर। A few moments later. तो यहाँ पर जो रिमोट है वो मैंने फिट कर दिया है। तो चलिए अब इसमें जो सेल है वो वापस लगा देते हैं और फिर देखते हैं कि रिमोट वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये मैंने सेल इसमें लगा दिए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले है वो ऑन हो चुका है। और यहाँ पर इसकी जो कीज़ हैं वो हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कीज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही हैं। अब इसका ये जो IR LED है इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं ये जो रिमोट चेकर है इसको ऑन कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे से ये वर्क कर रहा है। और दोस्तों यदि आपको भी इस टाइप का रिमोट चेकर बनाना है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन और आई बटन में दे दूंगा। तो आप वहां से उस वीडियो को देखकर ये जो रिमोट चेकर है इसको बना सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो बटन्स हैं वो काफ़ी अच्छे से यहां पर वर्क कर रही हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस रिमोट में जो प्रॉब्लम थी वो थी यहां पर इसके गिरने की वजह से इसका जो प्रिंट था वो टूट गया था। तो इसको हमने काफ़ी अच्छे से रिपेयर कर दिया है। तो अब इसके जो बटन्स हैं वो सारे बटन्स यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।